मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो पार्ट फोर में मैंने आपको युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच हो रही बातचीत के विषय में बताया था और आज मैं आपको पेज नंबर 76-77 में भी दुर्योधन और युधिष्ठिर में क्या बातचीत हो रही है पार्ट फाइव में बताऊंगी। युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है। सुयोधन, न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका। सगे संबंधियों के तड़प तड़प का प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबलाओं, अनाथों का वह करुण चीत्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। पर सुयोधन, मैं संहार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह करके न्याय के पद पर जो भी मिले सब स्वीकार है। इसमें युधिष्ठिर क्या बोल रहा है दुर्योधन से कि मैंने जो भी सगे संबंधी थे उनके प्राण त्यागने पर भी, जो त्यागने का यह भीषण दृष्टि जो कि अबलाओं का है, अबलाओं का अर्थ होता है बच्चों विधवा, अनाथ कौन होते हैं जिनके सिर पे से माता पिता का हाथ उठ जाता है, उनकी करुण दया भरी चिल्लाहट सुनी है, उनका हृदय का दहलाने के लिए पर्याप्त है। पर सुयोधन, मैं संहार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया। तो दुर्योधन कहता है यह दंभ है युधिष्ठिर। दुर्योधन क्या कह रहा है, यह घमंड है। दंभ का अर्थ होता है घमंड है, यह मिथ्या अहंकार है। मिथ्या का अर्थ होता है बच्चों झूठ, और अहंकार अहंकार का गर्व। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। ये जो तुम आत्म प्रशंसा कर रहे हो अपने लिए, मैं नहीं सुन सकता, इसको तुम अपने भक्तों को ही सुना। तुम विजय की डींग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले, मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है। आत्म प्रवंचना का अर्थ होता है बच्चों अपने आप को धोखा देना। मैं उससे घृणा करता हूँ जो तुम अपने आप को ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके बातें बना रहे हो, तो तुम अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, मैं इन सब बातों में नहीं आऊंगा। युधिष्ठिर बोलते हैं स्वार्थ, दुर्योधन स्वार्थ। दुर्योधन कहते हैं और नहीं तो क्या, जिस राज पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था। रत्ती भर का शब्द अर्थ होता है बच्चों थोड़ा सा भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। तांडव नृत्य होता है बच्चों शिव का संहार का नृत्य नृत्य, ठीक है। भला किस न्याय से तुम राज अधिकार की मांग करते हो, मतलब तुम ये सब तुम्हारे पास क्या है, रत्ती भर थोड़ा सा भी क्या नहीं है, अधिकार नहीं है, और तुम न्याय से तुम राज अधिकार की मांग कर रहे हो। युधिष्ठिर बोलते हैं सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है। क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है। सर्वसम्मत मतलब सभी की सम्मति से होता है। फिर महाराज पांडु का राज मेरा हुआ या नहीं। महाराज पांडु कौन थे बच्चों, हस्तिनापुर के राजा थे। दुर्योधन, बस तुम्हारे पास एक यही तर्क है ना। परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया, क्या जन्माधिकार से। जन्माधिकार मतलब जन्म से अधिकार था क्या उनका, नहीं। तुम्हारे पिता को राज की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे, राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार ना था, वह मेरे पिता का था। इसमें बच्चों दुर्योधन क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि मेरे पिता क्या थे,
अंधे थे, इसलिए सारा राज का संचालन का कार्य किसे दिया था? तुम्हारे पिता को दिया था। वो जन्म से, उनका अधिकार जन्म से नहीं था, बल्कि अधिकार मेरे पिता का था। वो अंधे थे, इसलिए उनको देखभाल करने के लिए राज का काम दे दिया था। युधिष्ठिर कहते हैं, यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज मिल गया, तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या राज नियम यह नहीं कहता? युधिष्ठिर क्या बोल रहे हैं दुर्योधन से? राज नियम नहीं होता कि अगर उनका अधिकार हो गया, किसी भी वजह से हुआ हो, तो उसके पश्चात उनका अधिकार उनके बेटे का नहीं होता है क्या? दुर्योधन बोलते हैं, राज नियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा, अन्यथा का अर्थ होता है बच्चों नहीं तो। इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत, उपरांत का अर्थ है बाद में, राज पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। दुर्योधन क्या बोल रहा है युधिष्ठिर से कि वैसे तो यह मेरे ही पिता का था, वो चाहते तो किसी को भी उसका राज्य संचालन करने के लिए दे सकते थे, राज्य की व्यवस्था करने के लिए वो सौंप सकते थे किसी को भी। युधिष्ठिर कहते हैं, यह केवल तुम्हारा निजी मत है, मतलब तुम्हारा अपना मत है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। पितामह, भीष्म, महात्मा, विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं की। अब बच्चों, इसमें पितामह भीष्म, पितामह भीष्म कौन है? राजा शांतनु और नदी गंगा के 8वें पुत्र हैं। और महात्मा विदुर कौन है? हस्तिनापुर के महामंत्री थे और विदुर भी थे। कृपाचार्य कौन है? हस्तिनापुर के कुलु कुल गुरु थे। ठीक है, कृपाचार्य कौन थे? हस्तिनापुर के कुल गुरु थे। अथवा ये सब लोग जो थे, और स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही थी। तो दुर्योधन क्या बोलते हैं? यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर, कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्यथा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है इज्जत या सम्मान के लिए इतना ध्वंस, ध्वंस मतलब विनाश किया गया, और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। सबने मेरा हठ ही देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने ना देखा। और जानते हो इसका कारण क्या था? युधिष्ठिर क्या? दुर्योधन, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। रक्तपात का होता बच्चों रक्त बहाना। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। जहां पर क्या होता है भय, जहां का आधार क्या है डर है, वहां पे कभी भी शांति नहीं हो सकती है। युधिष्ठिर बोलते हैं, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रही कर रहे हो। कायरता मतलब डरपोक का आरोप लगा रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय ना होता तो कोई भी मुझको राज देने की मांग क्यों करता? एकांकी संचय अध्याय 5 महाभारत की एक सांझ, जिसके एकांकीकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। भाग 5 पेज नंबर 76 और 77। कठिन शब्दों के अर्थ, शब्द अर्थ। अबलाओं, अबलाओं का अर्थ होता है बच्चों विधवा। मिथ्या, मिथ्या का अर्थ है झूठ। आत्म प्रवंचना, इसका अर्थ होता है अपने आप को धोखा देना। रत्ती भर, थोड़ा सा भी। तांडव नृत्य, नृत्य। अन्यथा, अन्यथा का अर्थ होता है नहीं तो। उपरांत, उपरांत का अर्थ होता है बाद में। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है इज्जत या सम्मान। ध्वंस, ध्वंस का अर्थ होता है विनाश।
रक्तपात का अर्थ है रक्त बहाना। आज का गृह कार्य इस तरह से है, उपरोक्त दिए गए, उपरोक्त मतलब ऊपर दिए गए शब्दार्थ को कॉपी में लिखकर याद करना